हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है परवेज आलम और आप लोग देख रहे हैं अर्निंग टू टेक परवेज चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूँ हिंगखोज डिक्शनरी कैसे यूज़ करते हैं। सारी की सारी डिटेल आज मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊँगा हिंगखोज डिक्शनरी के बारे में। आपको एक एक पॉइंट के बारे में बताऊँगा कैसे यूज़ करना है, कैसे काम करता है, सारी की सारी डिटेल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दे, और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो ऐप्स को डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं चलिए प्ले स्टोर पर से डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो गाइज़, ये रहा प्ले स्टोर, सिंपल सा इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर सर्च बार में आपको सर्च करना है हिंगखोज डिक्शनरी। गाइज़ देख सकते हैं हिंगखोज डिक्शनरी आ गया है, सिंपल सा इस पर आपको क्लिक करना है। गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं यही है हिंगखोज डिक्शनरी। आप इसका लोगो देख लीजिए, कुछ ऐसा है गाइज़, बहुत ही अच्छा लोगो भी लग रहा है। सिंपल सा आपको इंस्टॉल करना है इस पर क्लिक करके। मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर ओपन करने के बाद आपको सारी की सारी डिटेल आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ। तो गाइज़ मैं वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ जब तक डाउनलोड हो रहा है तब तक। गाइज़ आप देख सकते हैं ऐप इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। गाइज़ ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप चाहे तो लॉगिन भी कर सकते हैं फेसबुक से या गूगल से, या फिर आप ट्राई विदाउट लॉगिन पर क्लिक करके बिना लॉगिन के ही आप अंदर जा सकते हैं। तो मैं सिंपल सा ट्राई विदाउट लॉगिन कर लेता हूँ। फिर गाइज ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है कौन सी लैंग्वेज में आप यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। गाइज अब ये ऐप खुल चुका है। गाइज अगर आपका इंटरनेट ऑन रहेगा, आपके फ़ोन में इंटरनेट आएगा, तो रोज़ रोज़ एक मीनिंग दिया जाएगा आपको मिरेकल। जैसे आज वर्ड ऑफ द डे है मिरेकल यानी चमत्कार। आप इसके बारे में डिटेल जान सकते हैं ये क्या है। आप इसे व्हाट्सएप पर शेयर भी कर सकते हैं गाइज डायरेक्टली, जिसे भी आप शेयर करना चाहते हैं। तो गाइज इस तरह से आप इसके बारे में आप देख सकते हैं आउटब्रेक यानी प्रकोप, इस तरह से आप इसके बारे में जान सकते हैं गाइज। तो इसके बारे में अभी आगे चलते हैं। गाइज़ यहाँ पर आपको कैटेगरीज मिल जाती है, हम फिलहाल अभी अपडेट कैटेगरी में हैं। तो गाइज़ यहाँ पर आप डाउन में आकर के यहाँ पे आप एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। ये सब लर्निंग वीडियोस है, वीडियोस देख करके आप समझ सकते हैं इसके बारे में। इस तरह से आपको वीडियोस भी दिखाया जाता है गाइज़, आपको बहुत अच्छे से समझाया जाता है। तो गाइज़ मैं बैक चलता हूँ, गाइज़ मैं बैक आ जाता हूँ। आप इस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं गाइज़। यहाँ पर आप गेम्स भी आपको खेलना है, खेल के आप गेम्स खेल भी सकते हैं। कैसे खेलना है वो भी मैं आप सबको बताऊंगा। तो गाइज़ यहाँ पर आप ये सब देख लीजिए, सेंटेंस ऑफ द डे है, वीडियोज़ है, वोकैबुलरी टिप्स है, सब कुछ आपको मिल जाता है। अब गाइज़ हम लोग आगे चलते हैं गेम्स के बारे में। तो यहाँ पर गेम्स पर सिंपल सा क्लिक करना है, यहाँ पर आपको बहुत सारा गेम्स मिल जाएगा। गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 7 गेम्स मिल जाते हैं। कैसे खेलना है चलिए मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। तो फर्स्ट वाला है वर्ड गेस गेम, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है तस्वीर का, अगर आपको इंग्लिश पता है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए क्या होता है। गाइज तस्वीर का आपको अगर आता है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए, जैसे मुझे तो नहीं पता मैं लेकिन डाल देता हूँ, क्या होगा कुछ भी S P S। तो गाइज आपको पता है तो डाल दीजिए, स्नैप होगा तस्वीर का। नेक्स्ट चलते हैं उपयुक्त, आपको पता ही होगा उपयुक्त यूज़फुल, इस तरह से आपको डालना है। तो गाइज ये वाला आप गेम खेल सकते हैं इस तरह से। आपको अब मैं नेक्स्ट गेम बता देता हूँ कैसे खेलना है गाइज। गाइज अब मैं बैक आता हूँ। अब यहाँ पे है स्क्रैबल गेम, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है योग्य, ये आपको दे दिया है तो एबल चेक पे क्लिक करना है। इस तरह से आपको बता देगा लकड़ी का, तो इसका होता है वुडेन। अगर गलती से अगर कोई रॉन्ग चला जाए तो आप यहाँ पे विंडो पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर उस वर्ड पर आप क्लिक कर सकते हैं डायरेक्टली। तो वुडेन मैं डाल लेता हूँ। गाइज इस तरह से आप ये वाला गेम खेल सकते हैं। तो इसी तरह सारे गेम खेल सकते हैं गाइज। अगर आपको परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं, मैं गेम्स पर भी एक न्यू वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन है गाइज, इस पर क्लिक करके बस आपको वर्ड टाइप करना है। ऐसे मैं कोई भी वर्ड टाइप कर लेता हूँ।
अगर आप ये इस पर टिपेंगे तो इंग्लिश इंडिया के इंग्लिश लैंग्वेज में बोला जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये इस लैंग्वेज में भी ये बोलेगा। तो मैं दिखा देता हूँ, इस पर सिंपल सा क्लिक करना है। गाइज आप देख सकते हैं, इस तरह से आप प्रोनंसिएशन आपको नहीं आता या फिर किसी वर्ड में प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से सुन सकते हैं। आप स्पेलिंग भी चेक कर सकती है, सब आप यूज़ कर सकते हैं गाइज। ये प्रैक्टिस में है। सबसे मेन गाइज आपको वर्ड कैसे सर्च करना है, तो सिंपल से आपको यहाँ पे क्लिक करना है सर्च वर्ड वाले आइकन पर। इस पर क्लिक करके आपको जो भी वर्ड नहीं आता आपको सिंपल सा टाइप करना है। जैसे एग्जांपल तौर पर मैं रीड बता देता हूँ, सिंपल सा आप रीड पर इस पर क्लिक कर देना है। रीड इस तरह से सर्च करना है गाइज। अब बता देगा रीड का सारा मीनिंग जितना भी होता है, नियर बाय मीनिंग भी बता देगा गाइज। डेफिनीशन भी आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन डायरेक्ट डेफिनीशन यहाँ पे। सेंटेंस एग्जांपल भी दे देगा। तो गाइज इस तरह से आप इसका मीनिंग भी देख सकते हैं गाइज। बाकी सभी मैं बता देता हूँ, ये हिंदी टाइपिंग है, आप इसे ऑन करके आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं गाइज। तो मैं कुछ भी हिंदी में टाइप करके दिखा देता हूँ, जैसे कि दंत मान लीजिए यही है, तो मैं इसे सर्च कर देता हूँ। यहाँ पे डेंटल या फिर जितना भी चीज़ है आपको यहाँ पे स्पेलिंग इस तरह से दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे स्पीक का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करके डायरेक्टली बोल सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देगी, हिंदी में आप बोलना चाहते हैं या इंग्लिश में। तो आपको जो भी जिस भी लैंग्वेज में बोलना है सिंपल सा सेलेक्ट करना है और यहाँ पर मीनिंग बोलना है। जैसे मैं बोल देता हूँ स्लिप गाइज, देख सकते हैं डिटेक्ट कर लिया है। अब इस पर क्लिक करना है, अब इसका मतलब ये बता देगा। आप चाहे तो इसे हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, पढ़ना गाइज देख सकते हैं ये भी बता दिया मीनिंग। एक और ऑप्शन है गाइज आपको अच्छा सा, एक ऑप्शन है वर्ड स्कैनर। यहाँ पे डायरेक्टली भी यहाँ पे वर्ड स्कैनर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपल सा आपको क्लिक करना है और यहाँ से अलाउ कर देना है गाइज। अब मैं आपको कोई वर्ड स्कैन करके दिखा देता हूँ गाइज। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपको, मान लीजिए यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे मैं इसको स्कैन करके दिखा देता हूँ। तो गाइज थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये स्कैन कर रहा है गाइज। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये स्कैन कर रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करके फ्लैश लाइट भी ऑन कर सकते हैं गाइज, डायरेक्टली फ्लैश लाइट। तो मैं इसे फ़िलहाल ऑफ रखता हूँ। तो गाइज इस तरह से आप वर्ड को भी स्कैन कर सकते हैं गाइज। तब यहाँ पे हम यूज़ कर देते हैं गाइज, आपको जिस भी वर्ड का मीनिंग चाहिए ये स्कैन कर चुका है गाइज। आपको सिंपल सा उस पर क्लिक कर दीजिए, जैसे ये क्लिनिक है सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है। अब गाइज ये देख सकते हैं क्लिनिक का मीनिंग आ गया है, भाव शून्य नैदानिक। आप यहाँ पे स्केल पे क्लिक करेंगे तो स्केल का भी हिंदी बता देगा गाइज। इस तरह से आप हिंदी मीनिंग जान सकते हैं गाइज। अब बैक चलते हैं, बाकी भी आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा गाइज। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है 3 डॉट का, इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, मैं आपको इन 4 ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ गाइज। तो यहाँ पे सर्च हिस्ट्री, यानी कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो जो चीज़ें सर्च की है सिंपल सा शो कर देगा। यहाँ पे स्केल का हमने सर्च किया था तो ये शो कर दिया है। जितने भी मीनिंग हमने सर्च किए थे यहाँ पे सिंपली शो कर देता है गाइज। अगर आप इन सबको क्लियर करना चाहते हैं तो सिंपल सा आपको लॉन्ग प्रेस करे रखना है और यहाँ पे आइकन ऊपर दिखाई दे रहा होगा डिलीट का, सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है, डिलीट हो जाएगा। तो गाइज इस तरह से आप डिलीट भी कर सकते हैं। सेव्ड वर्ड, आप जो वर्ड सेव करेंगे आपको यहाँ पर शो करेगा। जैसे मैं कोई वर्ड आपको सेव करके दिखा देता हूँ, सिंपल सा इस पर किसी भी वर्ड को सेव करने के लिए, मान लीजिए आपको सर्च करना है किसी भी वर्ड को सेव करने के लिए, यहाँ पे आपको एक सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपल सा इस पर क्लिक करना है और एक लिस्ट नेम आपको क्रिएट करना है। जैसे मैं कुछ भी लिस्ट नेम क्रिएट कर देता हूँ, सेव्ड, सेव पे क्लिक कर देना है गाइज। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, आपको लॉगिन करना होगा तभी होगा। तो आप चाहे तो लॉगिन भी कर सकते हैं गाइज। तो मान लीजिए मैं गूगल से लॉगिन करके दिखा देता हूँ गाइज। इस तरह से आप लॉगिन करके सिंपल सा क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा और सेव वाले लिस्ट में आ जाएगा गाइज।
तो गाइस मैं आपको और भी डिटेल बता देता हूँ थोड़ा बहुत। तो इस ऐप में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा वोकैबुलरी टिप्स, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जिसमें भी आपको जाना है आप सिंपल सा उस पर क्लिक कीजिए। आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं क्या। तो गाइस इस तरह से आप इस ऐप का यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर न्यू वीडियो बना दूंगा। गाइस यहाँ पे आपको सेटिंग का बटन मिल जाएगा, आप यहाँ से सेटिंग भी यूज़ सेटिंग भी कर सकते हैं। गाइस इस तरह से आपको सारी डिटेल मिल जाते हैं। गाइस अगर आपको परेशानी है तो कमेंट कर दीजिए, मैं इस पर न्यू वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।